नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। और इस वीडियो पर मैं एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप कोई भी स्टॉक्स में एक इफेक्टिव स्टॉप लॉस दे सकते हो। मतलब इसके लिए आपको कोई उतना प्रॉब्लम्स नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर्स हो या तो आपको स्टॉप लॉस देने में दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपके लिए काम का चीज है। जरूर इसको अंत तक देखिएगा क्योंकि ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस देने के टाइम या तो परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं, या तो 1% स्टॉप लॉस दे देते हैं, या 2% स्टॉप लॉस दे देते हैं। जो भी अपना मन में आता है वो आप दे देते हो। अदरवाइज अगर 100 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए के स्टॉक्स लेते हैं वो, तो 2 रुपए, 3 रुपए फ्लैट वो स्टॉप लॉस ले लेते हैं। अगर 1,000 रुपए, 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस रहता है तो 5 रुपए, 6 रुपए रहता है। तो ये जो भेदभाव आप करते हो अपने हिसाब से जो स्टॉप लॉस लगाते हो, क्योंकि आपके माइंड में प्राइस है, मतलब 1 रुपए छोटा है, 10 रुपए बहुत बड़ा है, इसके हिसाब से आप हर एक स्टॉक्स को मतलब जज करते हो। ऐसा आपको आज से नहीं करना है। सो इस वीडियो पे मैं कंप्लीटली बताऊंगा कि कैसे स्टॉप लॉस देना है, वो भी लॉजिक के साथ। सो बने रहिए। और अगर पहली बार ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और पास में नोटिफिकेशन बेल मिलेंगे उसको प्रेस करना मत भूले, जिससे हमेशा आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते जाए। तो मैं इस वक्त जीरोडा के प्लेटफॉर्म में हूँ। आप अगर कोई भी प्लेटफॉर्म में जाते हो तो उससे भी आप देख पाओगे। सबसे पहले स्टॉप लॉस कैसे दिया जाता है। एक तो दिया जाता है कैंडलस्टिक्स के वाइटल, मतलब जो प्राइस है उसकी वाइटल रेजिस्टेंस आपको ढूंढना पड़ता है और वाइटल सपोर्ट ढूंढना पड़ता है। ऐसे आप स्टॉप लॉस दे सकते हो। और दूसरे तरीका है कि ये जो स्टॉक में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं उसके हिसाब से जो वॉलिटिलिटी होते हैं, उस वॉलिटिलिटी के हिसाब से आप स्टॉप लॉस दे सकते हो। ये दो ही तरीका है जिससे आप स्टॉप लॉस देने में माहिर बन सकते हो, और इसी से ही आपका राइट स्टॉप लॉस भी आते हैं जो साइंटिफिक है और इफेक्टिव भी है। आज मैं वॉलिटिलिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस बताऊंगा, और आगे जाके जो वीडियो आएगा वो कैंडलस्टिक्स के ऊपर, प्राइस एक्शंस के ऊपर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ के स्टॉप लॉस कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। फिलहाल मैं वॉलिटिलिटी के लिए ATR को यूज करने वाला हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी वीडियो बंद करने की कोशिश करेंगे, मगर मैं एक चीज कह दूं कि ATR सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट से देखने से नहीं होता है। कोई अगर कह रहा है कि 10 मिनट के ATR को देख लो, उससे आप जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वो आप कर लो, उसको स्टॉप लॉस दे दो, तो उसमें 90% ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप 15 मिनट से भी देखते हो उसमें भी सेम केसेस ही होंगे, उसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ेंगे, मगर 70% ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। ठीक है, सो अंत तक देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टडीज में जाना है। कोई भी चार्ट्स में आप, कोई भी ट्रेडिंग टर्मिनल आप अगर यूज करते हो, उस स्टडीज में जाइए जहां से इंडिकेटर ऐड किया जाता है। वहां पे एवरेज ट्रू रेंज आप टाइप कीजिए, एवरेज ट्रू रेंज को प्लॉट कर लीजिए जैसे मैंने कर लिया, और उसकी जो पैरामीटर है जो बाय डिफॉल्ट 1-4 मतलब 14 है उसको रखने दीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। तो मैं डन कर देता हूं। अब ATR तो मुझे पता चल गया। अब दूसरे पॉइंट सुन लीजिए कि इस मार्केट में वन का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वन मैं कह रहा हूं ना, ये वन का फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप जब टाइम फ्रेम से जाओगे तो आपको सबसे वन से मिलता है 1 मिनट, उसके बाद आपको 1 आवर मिलता है, उसके बाद 1 डे। हम लोग ज्यादातर टाइम 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ की चार्ट्स देखते हैं, राइट? तो वन का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 वीक, 1 मंथ और 1 साल, ये सबसे हाईएस्ट टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो अगर ये वन का फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इंट्राडे करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम होगा वो 1 आवर होगा। 1 आवर सबसे लॉन्गेस्ट टाइम फ्रेम होगा इस इंट्राडे करने के लिए। इवन 2 से 3 दिन के लिए भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, मतलब BTST कॉल जो है कहते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग आप करना चाहते हो, तब भी 1 आवर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो 1 आवर टाइम फ्रेम और ATR दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, और उसके हेल्प से मैं स्टॉप लॉस, राइट स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करूंगा जो इस वक्त उसकी वॉलिटिलिटी में है। सो इस वक्त कभी भी अगर किसी भी स्टॉक्स में आप ट्रेड करने जा रहे हो, तो सबसे पहले मान लीजिए मैं SBI में ट्रेड करने जा रहा हूं, तो इस वक्त मुझे पैटर्न्स पसंद आ गए हैं, सब कुछ पसंद आ गया है, मैं लेना चाहता हूं, तो मुझे स्टॉप लॉस क्या रखना है? आइदर मैं स्टॉक्स के सपोर्ट ढूंढ लू, उससे मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूं, अदरवाइज नहीं तो ATR की हेल्प ले सकता हूं। तो ATR में हेल्प लेने के लिए 1 आवर में जाऊंगा, और लास्ट जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है इस वक्त, मान लीजिए 191 इस वक्त लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहे हैं, तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस मतलब लास्ट जो पॉइंट्स दिखाई दे रहा है आपको ATR में, उसको एज ए स्टॉप लॉस आपको कंसिडर करना है 1 आवर का, 1.72।
अभी इस वक्त 1.7 पॉइंट्स आपके स्टॉप लॉस है। इसका मतलब क्या है, अगर आप 191 रुपीस में आप खरीदना चाहते हो, उससे 1.7 आप डिडक्ट कर लो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लो। मान लीजिए मैं राउंडिंग कर देता हूँ, 2 रुपीज आप डिडक्ट कर लो, मतलब 2 रुपए स्टॉक्स का स्टॉप लॉस है। अगर 2 रुपए आपका स्टॉप लॉस है तो 189 पे आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, 191 में आपको खरीदना पड़ेगा। और टारगेट के लिए आगे की बात करेंगे, टारगेट कैसे मेजर करना होता है उसकी भी वीडियोस मैं आगे जाके लाऊंगा। सो इस वक्त मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ। सो 189 आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, 191 में आप एग्जीक्यूट करोगे उस स्टॉक्स को। और एक चीज याद रहे कि जब भी किसी स्टॉक्स में आप ट्रेड करने जा रहे हो तो सबसे पहला ऑर्डर जब आप एग्जीक्यूट कर लोगे उस स्टॉक्स को, तब नेक्स्ट जो ऑर्डर आपका आएगा वो स्टॉप लॉस आएगा। तुरंत आपको अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस रखना है, मन में नहीं। अब दूसरा जो ऑर्डर आएगा वो टारगेट का आएगा। सबसे पहले स्टॉप लॉस का ऑर्डर देना मत भूलेगा। ये हैबिट्स आपके माइंड में नहीं, माइंड में आप ले लीजिए और सिस्टम में ले लीजिए, सिस्टम के बाहर मन में मत रखिए। सो इस वक्त हम दूसरे स्टॉक्स में जाते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ, जो स्टॉक्स लो वॉलेटाइल स्टॉक्स है कैसे पता चलेगा, ठीक है? तो SBI ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पीयूसी बैंक का दिग्गज स्टॉक्स है, ये हेवी वेट काउंटर है, हेवी वेट स्टॉक्स है। इसमें ज्यादा अगर मूवमेंट आ जाएगा तो पीयूसी बैंक इधर उधर करना ज्यादा चालू कर देगा। इवन बैंक निफ्टी भी ज्यादा मूवमेंट करना, ज्यादा वॉलेटिलिटी से काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब स्टॉक्स ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। तो खास करके मैंने देखा है 1 घंटे के चार्ट में अगर जाते हो, अगर ये 190 रुपीस है तो इसका 1% कितना होता है, 1.9 रुपीस। तो देखिए जब भी कोई लो वॉलेटाइल स्टॉक्स आपको दिखेगा उसका जो परसेंटेज होगा स्टॉप लॉस का वो 1% से नीचे ही होगा। आप देख सकते हो अभी इस वक्त 1.7 है और 1.9 इसका जनरली 1% होता है, तो 1% से भी नीचे आपको स्टॉप लॉस मिलता है। और दूसरा पॉइंट है कि जो आप यहाँ पे जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हो, ये रिस्क है, ये रिस्क। अब रिस्क का मतलब हम लोग सोच लेते हैं कि रिस्क नेगेटिव ही होता है, नहीं। आप जो एक्सपेक्ट करते हो और उससे कुछ अलग आ जाता है वही रिस्क होता है। मान लीजिए आपने एक्सपेक्ट किया था कि 200 रुपए से SBI 220 तक ही जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, तो आपने वहां पे बुकिंग ले लिया। मगर आप जब बुकिंग ले उसके बाद आपको 10 दिन 5 दिन बाद पता चला कि स्टॉक ने 250 तक चला गया, ये जो एक्स्ट्रा 30 रुपए गए वो आप रिस्क है, क्योंकि उसमें आपका अनसर्टेनिटी है, आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि और भी एक्स्ट्रा 30 रुपए वो चला जाएगा। इसका मतलब वो अगर एक्स्ट्रा 30 रुपए दे भी सकता है तो एक्स्ट्रा 30 रुपए आपसे ले भी सकता है, ये रिस्क होता है। रिस्क कभी भी सिर्फ नेगेटिव में नहीं दिखा जाता है, रिस्क पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रिस्क नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये चीज ध्यान रखते हुए आप इसको याद रखिए। अब दूसरे स्टॉक जाते हैं RBL बैंक, बैंक से ही दिखा रहा हूं। RBL बैंक को आपको पता है ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, तो अगर हम RBL बैंक में जाएंगे तो ये भी लगभग 190 रुपीज के स्टॉक्स है। देखिए दोनों ही 190 रुपए के आसपास की स्टॉक्स है। अगर मैं इसकी वॉलेटिलिटी को देखूं, लास्ट जो ट्रेडिंग प्राइस, आपको क्या करना है, जब भी आप जहां पे ट्रेड करने की कोशिश करो उसकी लास्ट पॉइंट्स को देखना है, एटीआर को, जो लास्ट कैंडल चल रहा है। मान लीजिए यहां से आप बाय करने की कोशिश करो तो इस पॉइंट को देखना है, इस टाइम क्या बता रहा है। तो इस टाइम बता रहा है 3.35 इसकी एवरेज वॉलेटिलिटी है एटीआर का, जो भी पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो 3.35 आपके लिए स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर इस टाइम प्राइस 188 है तो 188 से आप 3.35 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको लगभग 184.65 के नीचे स्टॉप लॉस देना होगा और आप 188 में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लोगे। और 184.65 इस वक्त वाइटल स्टॉप लॉस है, जिसके नीचे अगर आएगा तो उसके ट्रेंड बदल सकते हैं, ये चीज याद रखना। अब दूसरी पॉइंट देखिए, 188 मतलब 1.8% या 1.88% इसका 1% होता है, राइट? इसका अगर पूरा वैल्यू का 1% आप देखो तो 1.88 रुपीस होता है, मगर जो वॉलेटिलिटी दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट डबल है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई हाई वॉलेटाइल होगा और लो वेटेज के स्टॉक्स होंगे इंडेक्स में, उसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी रहते हैं और उसमें कम से कम आपको दिखाई देगा जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है प्राइस में, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, उससे 1.5% या तो 2% के कम से कम
एटीआर तो रहेंगे ही 1 घंटे में, और ये सबसे इफेक्टिव स्टॉप लॉस है। इसको अगर आप लगा दोगे तो आप राइट स्टॉप लॉस को यूज कर रहे हो, चाहे आप सेल करने के लिए हो या बाय करने के लिए, सब कुछ आपको इफेक्टिवली मिलेंगे। कोई दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, मान लीजिए कोई लो वोलेटाइल स्टॉक एसीसी देख लेते हैं। चलिए एसीसी से अगर आप देखोगे, एसीसी का वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, 1396, ऑलमोस्ट 1400 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। अगर आप इसका एटीआर 1 घंटे का देखो तो सिर्फ 10 रुपए दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप एसीसी का कैरेक्टरिस्टिक जानते हो तो आपको पता है कि एसीसी ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे। अगर सीमेंट सेक्टर में कोई अच्छी न्यूज आ रहा है तभी जाके वो अच्छी एक मोमेंटम कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं करेंगे। 10 रुपए का स्टॉप लॉस मतलब कम से कम 1% जो होता है वो 14 रुपए होता है। तो जैसे मैंने कहा, अगर लो वॉलेटाइल स्टॉक होगा तो उसकी कम आपको स्टॉप लॉस 1% से भी नीचे मिलेगा। इसका मतलब अगर वही 10 रुपए नीचे आ सकते तो 10 रुपए ऊपर देने का भी क्षमता रखते हैं, कम से कम 10 रुपए वो ऊपर भी जा सकते हैं। यही तो चीज है जो चीज आप वॉलेटिलिटी से निकाल सकते हो। तो आज से आप एटीआर को स्टॉप लॉस के हिसाब से यूज कर सकते हो, और 1 घंटे के चार्ट को जरूर देख लीजिएगा, और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के हिसाब से एटीआर का वैल्यू क्या है वो जरूर देखना मत भूलिएगा कोई भी स्टॉक्स लेने। इससे क्या होगा, सही स्टॉप लॉस आपके एग्जीक्यूशन में जाएगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों के पास पहुंचे और लोगों को भी हेल्प मिले। थैंक यू।